और वेलकम टू योर न्यू क्लास। मैं हूं आपकी टीचर मिस मुबशिरा फ्रॉम सहर स्कूलिंग सिस्टम। जैसे कि आप सबको पता है कि आप लोग न्यू क्लास में आ चुके हैं, तो आप सब ने न्यू कॉपीज ले ली होंगी, न्यू कोर्स ले लिए होंगे, न्यू स्टेशनरी ले ली होगी और अब न्यू क्लास का हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू ऑल। सबको बहुत दिल से हैप्पीली वेलकम करती हूँ अपनी न्यू क्लास के अंदर। मैं आपकी टीचर मुबशिरा आपको पढ़ाऊंगी साइंस, और हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखेंगे बहुत कुछ न्यू चीज़ें। लेकिन पढ़ने से पहले मुझे लगता है आपको एक्टिवेट करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद पढ़ रहे हैं तो थोड़े से लेजी हुए मैं। तो आप सबको बूस्ट अप करने के लिए मैंने रखी है वार्म अप एक्टिविटी, और वो आप सब लोग मेरे साथ घर बैठे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो क्या आप रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। सॉन्ग हम स्टार्ट करेंगे, आप लोग मेरे साथ घर बैठे सिंग भी करेंगे और एक्शंस भी परफॉर्म करेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? सो लेट्स स्टार्ट। Clap your hands high above. हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सबको वार्म अप एक्टिविटी? आई नो कि आप सबने एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। एज यू नो, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी, तो साइंस है क्या और उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम न्यू चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आपकी साइंस की जो बुक है वो है ये वाली। ठीक है, तो अपनी कोर्स की बुक में से सबसे पहले साइंस की बुक्स को निकाल लीजिए। ठीक, निकाल लिया आप सबने? गुड। नाउ हम चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आर फर्स्ट चैप्टर इज आर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स, आपकी बॉडी के हिस्से। ठीक है, पार्ट्स मतलब हिस्से, जैसा कि आपके टॉयज होते हैं। ठीक है, आपके टॉय में अगर एक कार है तो उस कार के बहुत सारे पार्ट्स होंगे। टायर अलग होगा, उसकी जो है वो मशीनरी अलग होगी, उसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो एक और पार्ट है, उसका गियर एक और पार्ट है। ठीक है, इसी तरीके से जो गर्ल्स होती हैं उनके पास डॉल्स होती हैं, तो उनकी डॉल्स में भी उनकी बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसा कि उनका आर्म, उनके हाथ, उनका फेस, उनकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। तो आज हम लोग आपकी बॉडी के पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं? मुझे सुनाई नहीं आ रहा? हाँ बोलिए जोर से। यस, वेरी गुड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर आर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आपको यहाँ पर कितनी सारी पिक्चर्स नजर आ रही हैं, क्या आपको अच्छी लग रही हैं?
गुड, तो हम लोग यहाँ पर इन पिक्चर्स को देखेंगे और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिए हैं उनका क्या काम है और वो क्या परफॉर्म कर रही हैं। एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं। आप लोग सब अपनी आईज के ऊपर हाथ रखिए, रखिए। गुड, अब मुझे बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है। बोलिए। जी हाँ, अंधेरा, डार्कनेस। अगर आप अपनी आईज के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या आपको कुछ नजर आएगा? कैन यू सी एनीथिंग? क्या आप कुछ देख सकते हैं? नहीं ना? वेरी, सो द जॉब ऑफ आर आई इज टू सी। हमारी आईज का काम क्या है कि चीजों को देखना। अभी आप अपनी आईज से मुझे देख रहे हैं तो ये आपकी आईज का फंक्शन है। आप देख सोचें, अल्लाह ताला ने आपको टू आईज दी हैं। कितनी आईज दी हैं? टू। और इन टू आईज से आप क्या करते हैं? दुनिया के अंदर मौजूद, वर्ल्ड के अंदर मौजूद सारी चीजों को देख सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए दैट ही गेव अस टू आईज, जिससे हम देख सकते हैं। तो हम आईज से क्या कर सकते हैं? हम आईज से देख सकते हैं सारी चीजों को। सो द फंक्शन और जॉब ऑफ आई इज टू सी। मेरे साथ दोबारा बोलिए, द जॉब ऑफ आर आई इज टू सी। दोबारा बोलिए, द जॉब ऑफ आर आई इज टू सी। वेल डन। सो अब नेक्स्ट बॉडी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? गुड, आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं। कैसे? कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो हमें सुनने में हेल्प आउट करते हैं? वी हैव टू ईयर्स। आपके पास दो ईयर्स हैं। इन ईयर्स से हम सुन सकते हैं। चलें, अब आप लोग बोलें दैट वी हैव टू ईयर्स। बोलिए। वी हैव टू ईयर्स। दोबारा बोलिए। बिल्कुल, वी हैव टू ईयर्स। आई कैन हियर यू। मुझे पता है कि आप सब लोग मेरे साथ साथ बोल रहे हैं, ठीक है? और इन ईयर्स के जरिए हम सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें टू ईयर्स दिए, सो लेट्स थैंक्स अगेन। हमें अल्लाह ताला का दोबारा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें टू ईयर्स दिए। वी हैव टू आईज टू सी। We have two ears to hear. हमें अल्लाह ताला ने ears दिए hearing के लिए। Hearing मतलब सुनना। Hearing मतलब सुनना, ठीक है? अच्छा, तो उसके बाद आपके पास next body part आता है nose। आप सबकी nose कहाँ है? Here it is। आपकी eyes के बीच में। आपकी नोज का काम क्या है? व्हाट इज द जॉब ऑफ योर नोज? मम्मा बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, है ना? तो उनकी स्मेल आप कैसे जो है वो सूंघते हैं और उनको स्मेल आउट कैसे करते हैं? उनको स्मेल आउट हम अपनी नोज के जरिए करते हैं। जब भी कोई चीज होती है तो उसकी स्मेल कैसी है, इज इट गुड और बैड, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं? थ्रू योर नोज, ठीक है? चले, सब अपनी नोज को पॉइंट आउट कीजिए। दैट वेयर इज योर नोज? हेयर इट इज। सो द जॉब ऑफ नोज इज टू स्मेल। द जॉब ऑफ नोज इज टू स्मेल, ठीक है? अच्छा, एक और बॉडी पार्ट आता है। अब जो खाने बनते हैं वो आप कैसे ईट अप करते हैं, कैसे खाते हैं? थ्रू योर माउथ, ठीक है? कैसे? माउथ के जरिए, ठीक है? तो आपका जो माउथ है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। माउथ के अंदर आपके पास आ जाते हैं लिप्स, जिससे मैं बोल रही हूं, ठीक है? इस माउथ के अंदर आपके पास आ जाती है एक जबान, टंग, जिससे हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। हियर इट इज योर टंग, ठीक है?
टंग बहुत सॉफ्ट होती है और टंग से आप क्या करते हैं, चीजों को टेस्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द जॉब ऑफ टंग? टू टेस्ट। आप टंग से चीजों को टेस्ट करते हैं, दैट इज इट सोर और इज इट स्वीट, कि वो खट्टी है या मीठी है या कड़वी है, बिटर है टेस्ट के अंदर। तो जॉब ऑफ टंग इज टू टेस्ट, ठीक है। अच्छा, आपके माउथ के अंदर मौजूद है एक और बॉडी पार्ट विच आर कॉल्ड टीथ। से चीज, सब मेरे साथ कहेंगे चीज। जी, व्हेन यू से चीज, आपके टीथ जो है वो नजर आ रहे हैं मुझे। सबके टीथ तो बहुत वाइट हो रहे हैं, यानी कि आप लोग ब्रश करते हैं, और अगर कोई ब्रश नहीं करता तो उसको दिन में दो बार ब्रश लाजमी करना है, अदरवाइज डर्टू आ जाएंगे, जर्म्स आ जाएंगे और आपके टीथ को खा जाएंगे। तो आपके टीथ का फंक्शन क्या है कि आप इससे खाना खाते हैं। जो खाना आप खाते हैं उसको ये चबाने में, उसको बाइट करने में, उसको जो है वो ग्राइंड करने में, छोटा छोटा करने में हेल्प आउट करते हैं। टीथ हमारे पास अल्लाह ताला ने कितने दिए हैं? 32 टीथ। हमारे टोटल टीथ कितने आते हैं? 32, ठीक है। कितने आते हैं? 32। हम सब के पास 32 टीथ होते हैं। अभी आप सब छोटे हैं तो अभी आपके सारे टीथ नहीं आए होंगे, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपके टीथ 32 होंगे, ठीक है। इन 32 टीथ का फंक्शन क्या है कि आप अपने खाने को इससे जो है वो चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, खाते हैं, ताकि आप खाने को निगल सकें। तो अभी तक हमने कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पढ़े, लेट्स रिवाइज। हमने सबसे पहले पढ़ी आईज, ठीक है। हाउ मेनी आईज वी हैव? टू। देन सेकंड नंबर पे हमने पढ़े ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स वी हैव? टू। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ी नोज, व्हाट इज द जॉब ऑफ नोज? नोज का काम है कि वो चीजों को स्मेल आउट करे, और एक और काम भी है नोज का। नोज का एक काम है कि आप इससे ब्रीद करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीद? सांस लेते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग ब्रीद अप करते हैं। इनहेल एक्सहेल, ठीक है। व्हेन आई से इनहेल, आपको सांस अंदर लेना है, ठीक है। जब मैं इनहेल कहूंगी तो आप सांस अंदर लेंगे, और जब मैं एक्सहेल कहूंगी तो आप सांस बाहर निकालेंगे। रेडी? इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो हमारी नोज का फंक्शन है स्मेल और ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं तभी हम अलाइव हैं, जिंदा हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम अलाइव नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें नोज दी है ताकि हम चीजों को स्मेल कर सकें और ब्रीथ कर सकें। देन हमने फोर्थ बॉडी पार्ट पढ़ा माउथ। माउथ कंसिस्ट करता है आपके लिप्स पर, आपकी टंग पर और आपके टीथ पर, ठीक है। टंग का काम है कि चीजों को टेस्ट किया जाए, और टीथ का काम है कि आप जो फूड खा रहे हैं उसको ग्राइंड करने में, बाइट करने में आपकी हेल्प आउट करें। अच्छा, कि ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आईज, ईयर्स, इसके अलावा नोज और माउथ, ये आपके कहाँ मौजूद हैं? ये आपके मौजूद हैं फेस पर। तो आपकी ये बॉडी पार्ट कहलाता है पूरा फेस, जिसमें आपके सारे आई, नोज, माउथ और एयर मौजूद हैं। और ऊपर का बॉडी पार्ट कहलाता है हेड। हेड जहां पर आपके मौजूद हैं हेयर्स, ठीक है। कुछ बच्चों के हेयर्स बड़े होंगे, कुछ के छोटे होंगे, तो आपके हेड पर हेयर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक और बॉडी पार्ट आता है नेक, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज नेक, यानी कि आपकी गर्दन। नेक का काम क्या है? आप नेक से क्या काम कर सकते हैं? मैं नेक से काम कर सकती हूं, द जॉब ऑफ नेक इज टू अलाउ मूवमेंट ऑफ योर हेड,
आपके हेड की मूवमेंट्स को अलाउ करता है. मूवमेंट मतलब हरकत, मूव करना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से राइट, आप अपने हेड को मूव करेंगे राइट साइड पर, और व्हेन आई से लेफ्ट, आप अपने हेड को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पर. सो स्टार्ट करते हैं. मूव योर हेड टू द राइट, मूव योर हेड टू द लेफ्ट. देखा आपने, तो आप इस नेक की मदद से अपनी नेक को मूव, अपने हेड को मूव कर रहे हैं राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, दोबारा करते हैं. मूव योर हेड टू द राइट, मूव योर हेड टू द लेफ्ट. तो आपकी नेक का फंक्शन क्या है कि आप अपने हेड को मूव करते हैं राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, तो नेक अलाउ करती है आपकी हेड के मूवमेंट्स को. फिर एक और बॉडी पार्ट्स आता है, बॉडी पार्ट आता है विच आर कॉल्ड एज शोल्डर्स. ठीक है, शोल्डर्स, दीज आर योर शोल्डर्स. ठीक है, तो आपके शोल्डर का फंक्शन क्या है, शोल्डर का काम है, शोल्डर की जॉब है कि ये आपके आर्म को, आपके हाथ के मूवमेंट को अलाउ करता है. देखिए, सपोज करें मैं इस तरीके से मूव कर रही हूँ, मैं ऊपर और नीचे मूव कर रही हूँ अपना हैंड, तो किसकी मदद से, शोल्डर की मदद से. सो शोल्डर आपके आर्म्स की मूवमेंट को क्या करता है, अलाउ करता है. चलिए आप सब भी अब मेरे साथ करें, अपने आर्म को ट्विस्ट मूव कीजिए अपने शोल्डर पर हाथ रखकर. ठीक है, तो आपका आर्म क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं अपने आर्म को ऊपर की तरफ मूव करती हूँ अप, तो मेरे किसकी वजह से मूव कर रहा है, शोल्डर की वजह से. व्हेन आई से डाउन, मूव योर आर्म टू द डाउन. व्हेन आई से अप, मूव योर आर्म टू द अप. ठीक है, आप अपने शोल्डर से क्या कर रहे हैं, अपने आर्म्स की मूवमेंट को ऊपर और नीचे कर रहे हैं. ठीक है, तो शोल्डर आपके आर्म्स की मूवमेंट को अलाउ करता है और नेक आपकी हेड की मूवमेंट्स को अलाउ करता है. अच्छा, अनदर बॉडी पार्ट इज आर्म. ठीक है, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, आर्म, जो आपका हाथ है. ठीक है, हैंड आपका ये कहलाता है एंड दैट इज योर आर्म. आपका आर्म आपके शोल्डर और हैंड से कनेक्टेड है, तो आप अपने आर्म्स के जरिए जो है वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं. अच्छा, हमारे पास कितने आर्म्स हैं, टू आर्म्स हैं. हाउ मेनी आर्म्स वी हैव, टू आर्म्स. हम अपने आर्म से क्या करते हैं, चीजों को ऊपर और नीचे उठा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, मैं बुक को मूव कर रही हूँ हैंड में पकड़ के ऊपर और नीचे अपने आर्म के जरिए, तो मैं चीजों को लिफ्ट कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ और नीचे रख सकती हूँ अपने आर्म्स के जरिए. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है हैंड्स, वी हैव टू हैंड्स. हाथों से हम क्या करते हैं, हम हाथों से खाना खाते हैं, हम हाथों से चीजों को पकड़ते हैं और चीजों को लिफ्ट अप भी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मम्मा के साथ शॉपिंग पे जाते हैं, ग्रॉसरी लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, चीजों को अपने हैंड से पकड़ते हैं. तो हमारे हैंड्स का वर्क क्या है, टू लिफ्ट द थिंग्स और टू कैरी द थिंग्स, ताकि हम चीजों को कैरी कर सकें. ठीक है, हमारे हैंड्स के अंदर आपको यहाँ पर फिंगर्स नजर आ रही हैं. जी हाँ, दीज आर योर फिंगर्स. हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव इन बोथ हैंड्स, यस 10 फिंगर्स. और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी फिंगर्स इन वन हैंड, 5 फिंगर्स. और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी फिंगर्स इन बोथ हैंड्स, 10 फिंगर्स. तो फिंगर्स आपके पास चीजों को कैरी करने में हेल्प आउट करती हैं. इसके अलावा आपके पास एक और जो है वो बॉडी पार्ट है विच इज कॉल्ड लेग. लेग यानी कि आपकी टांगे. ठीक है, जैसा कि आप आर्म से लिफ्ट करते हैं चीजें, लेग आपको हेल्प आउट करती है कि आप वॉक करें. ठीक है, आप यहां से वहां क्या करें, मूव करें.
लेग हेल्प आउट करती है वॉकिंग में, रनिंग में। आप भागते हैं, आप वॉक करते हैं, आप चलते हैं, किसकी मदद से? लेग्स की मदद से। हाउ मेनी लेग्स वी हैव? टू। हाउ मेनी लेग्स वी हैव? टू। और लेग्स के पास आपके नीचे जो मौजूद होते हैं फीट, ठीक है। अगर मैं दोनों फीट, दोनों पैरों की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी फीट, और अगर मैं एक पैर की बात कर रही हूं तो मैं कहूंगी फुट, ठीक है। तो हाउ मेनी फीट वी हैव? टू, ठीक है। हाउ मेनी फीट वी हैव? टू, ठीक है। फीट आपको हेल्प आउट करते हैं वॉकिंग में, या आपकी लेग्स के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो लेग्स और फीट आपको वॉकिंग और रनिंग में हेल्प आउट कर रही है। तो आप सबको मजा आया? हम अपने टॉपिक को रिवाइज करते हैं। अब एक रिवीजन हो जाए, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी एंड यू विल गिव मी द आंसर्स, ठीक है। हमने पढ़ा आईज के बारे में, व्हाट इज द जॉब ऑफ आर आई? द जॉब ऑफ आर आई इज टू सी, चीजों को देखना। हाउ मेनी आईज वी हैव? वी हैव टू आईज, ठीक है। नोज, द जॉब ऑफ आर आई इज, द जॉब ऑफ आर नोज इज टू स्मेल। एक फंक्शन और एक जॉब था इसका, टू स्मेल, और एक और काम था टू स्मेल एंड ब्रीथ। ब्रीथ मतलब सांस लेना, ब्रीथ मतलब सांस लेना। दोबारा से एक्सरसाइज करते हैं। व्हेन आई से इनहेल, यू हैव टू इनहेल द एयर, और व्हेन आई से एक्सहेल, यू हैव टू एक्सहेल द एयर और गिव आउट द एयर। तो इनहेल एक्सहेल, ठीक है। तो हमारी नोज का काम है इनहेल करना, सांस लेना और स्मेल करना एयर। अच्छा ये बताएं, हाउ मेनी नोज वी हैव? वी हैव ओनली वन नोज, नॉट टू, ओके। एयर्स, द जॉब ऑफ आर एयर इज टू हेयर, टू हेयर द साउंड्स, साउंड्स को सुनना, ठीक है। द जॉब ऑफ एयर इज टू हेयर द साउंड्स। ठीक है। द जॉब ऑफ आर शोल्डर इज टू ट्विस्ट द आर्म, आपके आर्म को ट्विस्ट कर रहा है, आपके आर्म को मूव कर रहा है, ठीक है। द जॉब ऑफ आर शोल्डर इज टू ट्विस्ट एंड मूव आर्म, ठीक है। नेक, द जॉब ऑफ आर नेक इज टू अलाउ हेड मूवमेंट्स, ठीक है। सो नेक अलाउ हेड मूवमेंट्स। ठीक है। अच्छा, आपकी आईज, नोज, ईयर्स और माउथ, ये आपके कहां मौजूद हैं? फेस पर। और आपके हेयर्स, आपके बाल कहां मौजूद हैं? हेड पर, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड योर हेड, और आपकी नेक अलाउ करती है आपकी हेड की मूवमेंट को। अच्छा, अब एक और मैं आपको बता देती हूं कि आपका माउथ जो है वो कंसिस्ट करता है दो चीजों में। माउथ के अंदर हमारे पास क्या दो चीजें होती हैं? एक होता है टंग, द वन इज टंग एंड द अदर वन इज टीथ। हाउ मेनी टीथ वी हैव? कितने टीथ होते हैं एक एडल्ट के पास? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके पास कितने टीथ होते हैं? यस, 32। और टंग का फंक्शन क्या है? टंग की जॉब क्या है? टू टेस्ट, टू टेस्ट द थिंग्स, ताकि चीजों को टेस्ट आउट किया जाए, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जो अब और बॉडी पार्ट्स बचे हैं उनमें आपके पास आ जाता है टीथ, टंग, आर्म एंड हैड्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट। टीथ का जॉब, टीथ की जॉब क्या थी? टू ईट फूड, चीजों को खाना। टंग की जॉब क्या है? टू टेस्ट थिंग्स,
What is the meaning of taste? Chakhna. What is the meaning of taste? Chakhna. What is the meaning of eat? Khana. ठीक है. Arm and hands. Arm and hands का काम क्या है? To lift and carry things. Lift मतलब चीजों को उठाना और carry मतलब चीजों को पकड़ना. ठीक है. If you are carrying your bag, तो इसका मतलब आप कैरी कर रहे हैं अपने शोल्डर्स पर. ठीक है. अगर मैं कहती हूँ कि आप अपना बैग उठाइए, तो आप नीचे से लिफ्ट करेंगे, उठाएंगे. तो लिफ्ट मतलब चीजों को नीचे से उठाना और कैरी मतलब चीजों को पकड़ के रखना. ठीक है. लेग्स एंड फीट का फंक्शन क्या है, जॉब क्या है? टू वॉक एंड रन. टू वॉक एंड रन. टू वॉक एंड रन. ठीक है. तो अगर आप मूव कर रहे हैं अपने रूम के अंदर, ठीक है, वॉक कर रहे हैं, और अगर आप भाग रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रन. ठीक है. कॉपी वर्क की तरफ आते हैं. सबसे पहले कि कॉपी को कैसे मेंटेन करेंगे. जैसा कि आपको पता है कि आप लोग अब केजी से वन में आ चुके हैं, आप लोग क्लास में अपग्रेड हो चुके हैं. अब थोड़ा सा आपको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपनी सारी बुक्स और कॉपीज को बहुत अच्छे से रखते हैं. और जब आप लोग मुझे कॉपी चेक करने के लिए भेजेंगे, तो जिसका काम सबसे अच्छा होगा, जिसकी कॉपी सबसे बेस्ट होगी, उसको मैं गुड दूंगी. ठीक है. उसको मैं स्टार भी दूंगी. तो आपने बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्कआउट करना है. आपकी साइंस की कॉपी ये वाली है, जिसके अंदर एक पेज व्हाइट है और एक पेज ऐसी लाइंस वाला है. ठीक है. एक पेज व्हाइट है और एक पेज ऐसी लाइंस वाला है. तो जिसका जो आपकी साइंस की कॉपी है, उस पे आप अपना नाम लिखेंगे. सबसे पहले अपने पेरेंट्स से आप लोग नाम लिखवाएंगे. यहाँ आप नेम लिखेंगे, यहाँ आप क्लास लिखेंगे, और यहाँ आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि साइंस. इसके अलावा आप अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाएंगे, ताकि ये खराब ना हो, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन रहे. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि वन पेज इज इंडेक्स, सेकंड पेज इज इंडेक्स, थर्ड पेज इज इंडेक्स. फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट पेज होगा इंडेक्स के बाद वाला, आफ्टर द पेज ऑफ इंडेक्स, आपको तीन टैगिंग्स दी हैं. आपने अपनी मम्मा से क्या कहना है कि आप यहाँ पर मिड टर्म की टैगिंग सबसे पहले लगाएंगे. सबसे पहले किसकी टैगिंग लगाएंगे? इस तरीके से सेंटर में मिड टर्म 2020-21 की टैगिंग लगा लेंगे. और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपके पास आएगी सिलेबस आउटलाइन, यानी कि जो हम मिड टर्म तक सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उन सारे चैप्टर्स के नेम हैं. आज आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आर बॉडी पार्ट्स. तो यहाँ आ जाएगी आपकी सिलेबस आउटलाइन. फिर उसके बाद आपके पास आएगा थर्ड जो आपके पास पेज होगा, उसमें आप चैप्टर की टैगिंग लगाएंगे, यूनिट नंबर 1, आर बॉडी पार्ट्स. ये टैगिंग्स आपको दी गई हैं आपके होमवर्क के साथ. ठीक है. अच्छा, अब आप अगर देखें तो कॉपी में इस तरह की लाइंस मौजूद हैं. मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाई हैं. अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ऊपर, जैसा कि आपको यहाँ पर रेड कलर की लाइन नजर आ रही है. और इस कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आप हमेशा डेली अपने काम की डेट डालेंगे. डेट कैसे डालेंगे? जो डेट है, सपोज कीजिए 10, फिर डैश, फिर जून डैश, और फिर यहां पर आएगा आपके पास 20. तो डेट कैसे डालेंगे? आप इस कॉलम के अंदर 10 जून एंड 20, इस तरीके से आप डेट लिखेंगे. और बहुत नीट एंड क्लीन, इस कॉलम से बाहर नहीं आना चाहिए. बहुत अच्छे से साफ सुथरे करके नीट एंड क्लीन जो है वो लिखना है. लाइट पेंसिल, ज्यादा डार्क मत कीजिएगा. अगर आप डार्क पेंसिल से लिख दोगे एक बार, तो जब अगर आप उसको इरेज करोगे, एक तो आपकी कॉपी भी टियर अप हो जाएगी, फट जाएगी, और दूसरा निशान रह जाएगा. तो पेंसिल को शार्प कर लीजिएगा अच्छे से, और अच्छी राइटिंग में लिखिएगा. ठीक है. फिर इस वाले कॉलम के अंदर जो भी आप काम कर रहे होगे, सपोज कीजिए अगर आप होमवर्क में से क्वेश्चन आंसर उतार रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन एंड आंसर लिखेंगे. अगर आप फ्लिंदी ब्लैंक्स उतार रहे हैं, तो ऊपर फ्लिंदी ब्लैंक्स लिखेंगे. हेडिंग डालेंगे
इस वाले कॉलम में जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन वन जो होगा उसको आप नीचे लिखेंगे। याद रखिएगा बेटा यहाँ फोर लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? फोर लाइंस। इन फोर लाइंस का मकसद क्या होता है? जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं, सपोज कीजिए दीज आर कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर्स जो हैं वो आपके थ्री लाइंस में आते हैं। कितनी लाइंस में आते हैं? थ्री लाइंस में। ये वाले जैसे इस तरीके से आ ब ख, ठीक है। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स क्या हैं? जैसे अ ब ख ग ड, ठीक है। कुछ स्मॉल लेटर्स ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर की थ्री लाइंस में आएंगे और कुछ नीचे की थ्री लाइंस में आएंगे। जैसे अगर मैं ग की बात करती हूँ तो वो नीचे की थ्री लाइंस में आएगा, वाई की बात करती हूँ तो वो नीचे की थ्री लाइंस में आएगा, आ की बात करती हूँ तो वो टू लाइंस में आएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप वर्क करेंगे तो इन फोर लाइंस को, जो कि आपको सिखाया गया है, आपने इसको देखना है कि कौन सा लेटर कौन सी लाइन के अंदर यूज करना है और लिखना है नीट एंड क्लीन। तो अब आपने ये भी सीख लिया कि कॉपी में टैगिंग कैसे लगेगी, कॉपी का जो है वो वर्क कैसे होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि आप कॉपी में क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। आपको ये प्लानर दिया गया है, आपको डिटेल जो है वो काम दिया गया है करके, आपने सिर्फ कॉपी में पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करेंगे? इसमें आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प आउट लेनी है, ठीक है। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की इसमें हेल्प जो है वो करें। सबसे यहाँ पर जो मुश्किल चीज़ होती है कि केजी से वन में स्टूडेंट आता है तो उसको लिखना आना चाहिए, उसको प्रॉपरली काम करना आना चाहिए, स्पेशली इन फोर लाइंस के अंदर, स्पेशली कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स के किस तरीके से और कैसे लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास जो प्लानर दिया गया है उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन एंड आंसर से, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन एंड आंसर, नॉट यू हैव टू राइट द अंडरलाइन द हेडिंग्स और क्लास वर्क और कॉपी वर्क। ये सिर्फ मेंशन किया है कि कॉपी वर्क कौन सा और बुक वर्क कौन सा है, तो दोनों में काम करना है, कॉपी में भी और बुक में भी। सो व्हाट यू हैव टू डू, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन एंड आंसर वेयर यू हैव टू राइट द हेडिंग हियर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर आपने जो है वो हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन एंड आंसर, और यहाँ पर आपने डेट लिखनी है, बहुत नीट एंड क्लीन, ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे आप, कैसे, क्यू वन, ठीक। और डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे आप आंसर लिखेंगे और आंसर को यहाँ मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स आप न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे और ट्रू और फॉल्स भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जब ट्रू और फॉल्स कर रहे होंगे तो ऊपर आप लिख देंगे यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास बुक वर्क आ जाता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर बुक वर्क की एक्सरसाइजेस मेंशन की हुई हैं और यहाँ पर उनके पेज नंबर और उनकी सॉल्व प्लानिंग भी आपको दी हुई है। पहले तो आप अपनी बुक का ओपन करेंगे पेज नंबर सिक्स, तो खोलते हैं और ये आ गया, तड़ा, ये आ गया आपका पेज नंबर सिक्स। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंगली और कितनी कलरफुल सी डायग्राम बनी हुई है। आपने सारे बॉडी पार्ट्स पढ़े ना, तो उन बॉडी पार्ट्स की स्पेलिंग्स को याद करने और इसमें जो लेबल किया हुआ है कि कौन सा बॉडी पार्ट कौन सा है उसको लिखना है। सपोज कीजिए ये एयर है, एयर्स लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माउथ, टीथ, हैंड, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं और आपको नहीं समझ में आता
कि आइदर यू आर राइट और रॉन्ग, सो आप इसको फॉलो करें. और दूसरी चीज फिर सेकंड पेज पे आप टर्न करेंगे तो है डू इन बिग बुक ऑन पेज नंबर 6. ये बुक की एक्सरसाइजेस कट डाउन करके यहाँ पर लिखी हुई है. तो पेज नंबर 6 पर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर कितने टीथ होते हैं. कितने टीथ होते हैं जल्दी से बताइए, हाउ मेनी टीथ यू हैव, लेक्चर में भी पढ़ाया है. जी हाँ, 32. ठीक है, दूसरा आपके पास आता है कि डू क्वेश्चन नंबर 2 इन बुक ऑन पेज नंबर 8. सो ओपन द पेज नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो इसको सॉल्व आउट करना है आपको इस प्लानिंग से. इसी तरीके से डू क्वेश्चन नंबर 3 इन बुक ऑन पेज नंबर 3, पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे ये थर्ड क्वेश्चन आपने यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करना है. फिर एक एक्टिविटी है जो आपने घर में करनी है. ईच स्टूडेंट शुड कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास वन बाय वन. ही और शी विल पॉइंट आउट एनी 5 ऑफ देयर बॉडी नेम्स. पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करें और स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ करें कि अपने कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स को मेंशन करें विद नेम्स और उनका फंक्शन भी बताएं. ठीक है, तो ये आपके पास एक होमवर्क है. दूसरा, लास्ट में आपको 2 वर्कशीट्स दी गई हैं असाइनमेंट के तौर पर. जो आप सारा काम कर लोगे, चैप्टर समझ लोगे, तब आपने करना है ताकि आपको पता चले कि आपको आता है या नहीं आता. वर्कशीट नंबर 1 हेयर इट इज, जिसको आपने इसी में सॉल्व करना है. वर्कशीट नंबर 2 हेयर इट इज. और कॉपी के लास्ट एट द एंड आप उसको स्टेपल आउट कर देंगे और देन ये चेक हो जाएगी. लास्ट चीज आती है वो आता है इंडेक्स. इंडेक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1, फिर उसके बाद आप चैप्टर की हेडिंग डालेंगे आर बॉडी पार्ट्स, उसके बाद जो आप काम कर रहे हो उसकी डेट डालेंगे और जो काम किया है वो लिखेंगे. सपोज क्वेश्चन एंड आंसर किए हैं तो क्वेश्चन एंड आंसर, ट्रू एंड फॉल्स अगर किए हैं तो फिर उसको डेट, जिस डेट पे किया है उसी डेट पे यहाँ पर वही डेट डालेंगे. डेट हर पेज पर होनी चाहिए. फिर उसके अलावा वर्कशीट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे कि वर्कशीट 1 है या वर्कशीट 2 की है या दोनों की हैं, तो जो भी है वो लिखेंगे और डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे. सीरियल नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाएगा 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर बाद में टीचर के सिग्नेचर होंगे और पेरेंट्स जो हैं वो भी सिग्नेचर को यहाँ पर करेंगे. तो ख़त्म होता है आपका आज का चैप्टर और आई होप कि आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से. कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. आई होप कि आप लोग अपने घर में रहकर काम को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे और वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे. नहीं समझ आता तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं और सुनने के बाद चैप्टर को रीड आउट भी कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आप क्या पढ़ रहे हैं. तक नेक्स्ट वीक के लिए कुछ न्यू लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय.